Hey guys, this is Kashif Aslam from Kashis and welcome back to my YouTube channel once again. और आज मेरे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही टैलेंटेड रबीक काशिफ। आई एम श्योर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपने अक्सर इनकी टिकटॉक पे वीडियोस देखी होंगी। उसके अलावा अभी जो है इनका रिसेंटली बहुत अच्छा से गेम शो ऐसे चलेगा बोल टीवी पर, वो आ रहा है, तो आपने आई एम श्योर इनको देखा होगा। आज बेसिकली रबीका जो आई हैं स्पेशली अपने हेयर कट के लिए, तो मैंने सोचा इसकी एक प्रॉपर सी एक वीडियो बना लेता हूँ। रबीका, क्या मसला है आपके हेयर्स का? वैसे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि लॉन्ग हेयर्स हैं, बहुत अच्छे हेयर्स हैं, लेकिन क्या मेजर इशू है वो आपको रबीका खुद बताएंगी कि जिसकी वजह से हेयर कट करवा रही हैं। दरअसल शूज़ की वजह से मेरे बाल रोज आयरन हो रहे हैं और कलर भी बहुत वीक हो रहा है, इससे डैमेज हो रहे हैं, तो आज मैं जरूर काशिफ के पास आई हूँ ताकि मैं मेरा न्यू लुक दे और अच्छा सा हेयर कट। बेसिकली अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, इवन कि मैंने भी रबीका के शूट्स किए हैं जिसमें आपने भी लास्ट एक वीडियो देखी जिसमें बड़े लॉन्ग हेयर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लॉन्ग हेयर्स की एक अपनी एक ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन अगर बाल जो है बहुत ज़्यादा आयरन करने की वजह से, ब्लो ड्राई करने की वजह से, कर्ल्स करने की वजह से अगर डैमेज हो जाएँ, तो उसको सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप उसको एक प्रॉपर, आप बहुत शॉर्ट नहीं करवाएं, आप इसको एक लॉन्ग लेयर करवा के, ताकि एक खूबसूरती भी रहे। और अगर लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो उसमें वेरिएशन जो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ स्ट्रेट ही करना होता है या आपने अगर कोई लूज कर्ल करना होता है तो वो बहुत अच्छी शेप नहीं आती। लेकिन आपने अक्सर मेरा सिग्नेचर स्टाइल आपने देखा है जो मोस्टली मेरी हेयर एक्सटेंशन पे, और उसके अलावा मेरी हेयर एक्सटेंशन विग्स जो होती हैं उस पर जो प्रॉपर एक डीप राउंड होता है और उसमें पूरी लेयर्स आती हैं, तो उसमें बेसिकली एडवांटेज ये होता है कि उसमें आप उसको बहुत तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो। आप उसको स्ट्रेट करेंगे आप उसमें तो भी एक ब्यूटी एलिमेंट होगा, उसके अलावा आप उसको कर्ल्स कर सकते हैं तो बहुत ही एक ब्लेंडेड लुक आ जाता है, क्योंकि अगर आप उसके पीछे से देखेंगे तो वन लेंथ स्ट्रेट नहीं होंगे, एक बड़ा अच्छा सा डीप राउंड आ जाएगा, और उसको आप कर्ल्स करें, बीच वेव्स करें, तो वो बहुत सारी उसमें वेरिएशंस आ जाती है उस हेयर कट को, जब कोई भी करवाता है उसको तो आपको स्टाइलिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। तो सेम ऐसे ही है रबीका का भी, क्योंकि ऑब्वियसली अक्सर जो है आपको पता है डिफरेंट टिकटॉक वीडियोस बनाना और बड़ा एक मुश्किल काम होता है कि पहले अपनी एक इतनी सारी वीडियोस बनाना और उसके बाद जो है अपने लुक्स जो है ऑब्वियसली वो चेंज करना। तो आई एम श्योर रबीका ऐसा आपके साथ भी होता होगा बिल्कुल ना, क्योंकि डिफरेंट लुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं हेयर्स के हवाले से। बाल अभी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग और हेल्दी हेयर्स हैं रबीका के, लेकिन जैसे आप देखें मैं अच्छी तरह से शैम्पू कंडीशनर किया, लेकिन इसके बावजूद बाल जो है बहुत ज़्यादा हीट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ये टैंगल हो चुके हैं और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस पर। तो किस तरह से, अगर इस तरह के बाल आपके हैं तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवाएं, आप उसको लेंथ मेंटेन रखते हुए भी आप इसको एक बहुत अच्छा सा एक हेयर कट ले सकते हैं आप उसको, और उसके बाद जो है आप उसको डिफरेंट तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी मैजिकल सी चीज़ बताऊँगा जो मेरे ख्याल में हर शख्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जो टाइम ऐसा है उसमें बेसिकली हर किसी को ब्लो ड्राई, आयरन, ये सारी चीज़ें तो करनी ही होती हैं, लेकिन इसकी वजह से बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो किस तरीके से आप अपने बालों को ऑब्वियसली स्टाइल भी देना है और आप चाहते हैं कि बाल डैमेज भी नहीं हो, उसके लिए स्पेशली आपने मेरे ख्याल में भी रिसेंटली मेरी एक वीडियो देखी थी, उसमें मेरा एक बहुत ही मैजिकल सा ग्लॉस स्प्रे है जिसके बहुत ज़्यादा जो हैं फ़ायदे हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। फाइनली ये है वो आप देख सकते हैं ग्लास ट्रीटमेंट हेयर स्प्रे, और वो तमाम लोग आई थिंक मेरे ख्याल में 90% लोगों का जो है वो बहुत बड़ा इशू है बाल डैमेज होने का, वो भले से कोई सा भी रीज़न हो सकता है, वो कलर करवाने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स करवाने की वजह से, अक्सर क्योंकि सलोन में बालों को बहुत ज़्यादा जो है ब्लीच कर दिया जाता है जिसकी वजह से बालों का पूरा कैरेटिन ख़त्म हो जाता है, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इशूज़ होते हैं कि लोग जो है खारा पानी यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो जाते हैं। और बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस स्प्रे की ख़ास बात ये है कि बालों को जिस तरह से स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से रीजनरेट कर रहा होता है, सील कर रहा होता है एंड्स को, और उसके अलावा बालों का जिस तरह भी आपका केमिकल की वजह से अगर आपका बालों का कैरेटिन अगर ख़त्म हो चुका है तो दोबारा से जो है उसको प्रॉपर एक केयर और क्योर करने के लिए एक बहुत ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई आयरन वगैरह कर रहे होते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आपने ब्लो ड्राई करना है, आपने आयरन करना है, तो आप जो है
बहुत आराम से कर सकते हैं बग़ैर इस थॉट के कि बाल जो है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता होता है कि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा टू मच हीट लग रही होती है जिसकी वजह से बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। सबसे पहले करना ये है, अगर आपको कोई ऐसे भी ऐसा प्रोसेस करना है, आपने ब्लो ड्राई करना है या आयरन करना है, तो सबसे पहले वेट हेयर्स में आप देख सकते हैं, आप इसको हल्का सा पहले इसको बालों को नीट कर लें ताकि बालों में बिल्कुल भी जो है टैंगल नहीं हो। इसके बाद आपने, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है, आप देख सकते हैं इसमें शाइन भी आ रही है, तो नीचे से बाल आपके कितने भी डैमेज हैं तो वो आपको हेयर कट करना है तो उससे पहले भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। आपका स्टाइलिस्ट कोई भी कर रहा होगा तो आप इसको जैसे ही अरेबिका तुम्हें फील आ रही है इसकी फ्रेग्रेंस से, क्योंकि ये बेसिकली कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर जितने भी इसके अंदर ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे हर्ब्स हैं, और आप ये देख सकते हैं कि लगते के साथ ही फ़ौरन से ग्लॉस आ गया है। कि अब मैं इसके ऊपर कोई सा भी ड्रायर लगाऊंगा, इस पर आयरन करूंगा तो वो बालों की जितने भी क्यूटिकल्स वगैरह हैं वो डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जब इसको बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई आयरन, जब बहुत ज़्यादा टू मच हीट की वजह से ओवर ड्राई बाल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है स्प्लिटेंस आ जाते हैं। तो आपने करना ही कि हल्का सा आपने थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ आपने ये करना है जहाँ पर भी ज़रूरत है, और इसको स्कल्प पे लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको इसको हेयर्स के ऊपर ही लगाना है, क्योंकि इसका ग्रोथ से कोई कंसर्न नहीं है। इसका बेसिकली स्ट्रेटनिंग स्प्रे का काम जो है, डैमेज हेयर का प्रॉब्लम जिन लोगों को है, क्योंकि डैमेज बहुत तरीके से हो जाते हैं, सनबर्न की वजह से डैमेज हो जाते हैं, कलर की वजह से, ब्लो ड्राई की वजह से, आयरन की वजह से, टोंग की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, पिक्चर्स की वजह से, अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग जो है पिक्चर्स के लिए एक बालों को नीट करने के लिए ब्लो ड्राई आयरन से एक स्लीक लुक दे रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा करने की वजह से जो है बाल डैमेज हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि बालों में एक ग्लॉस आ चुका है। तो सबसे पहले आपने ड्रायर लगाने से पहले आपने इसको अच्छी तरीके से लगाना है बालों में, और आप देख सकते हैं ये इनके अपने बाल, इसमें फ्रेशनेस है और ये ग्लॉस आ चुका है। अब प्रॉपर जो है अभी मैंने रबीका का हेयर कट करना है, और उसके बाद जो है फाइनली इसका मैं आपको लुक दिखाऊंगा, और पूरा हेयर कट ब्लो ड्राई आयरन करने के बाद आप इसको मज़ीद ग्लॉस या शाइन आपको प्रॉपर आपको जितनी आपको इसको चमक देनी है तो सेम आप इसको ग्लॉस के लिए भी आप स्ट्रेटनिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसको रबीका आप यूज़ कर सकते हो, उसको इस तरह से हाइलाइट्स हैं, तो बेसिकली अगर इसको हमें एक बड़ा एक नीट लुक देना होता है तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा आयरन करने की वजह से ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा लाइटर पर होता है, जैसे आयरन कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर ये बाल जो है बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और जितना ओबियसली इसका एक लाइटर लेवल है तो इसमें जो है ड्राइनेस के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो कोई इशू नहीं है अगर आप इसको, सबसे पहले आपने इसकी एप्लीकेशन कर ली है स्प्रे की, और उसके बाद जो भी आपने करना है ब्लो ड्राई आयरन वो कर सकते हो।
फाइनली आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हेयर कट हो चुका है। और बेसिकली रबीका का जो मेजर इशू था, हेयर कट करवाने का, एक तो ग्लैमरस सा स्टाइल तो चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे मेजर इशू था वो यही था कि बाल जो है बहुत ज़्यादा आयरन करने की वजह से, ड्राई करने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। इनफैक्ट बाल तो बहुत अच्छे हैं, लेंथ भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हो रहे थे। जब भी ओबियसली रबीका ऐसे ही होता होगा, जब वॉश करने के बाद जो है बाल, वेट हेयर्स होने के बाद कॉम करने में मसला होता होगा। यस, बहुत मसला हो रहा था, बहुत, क्योंकि बालों का जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिलिकॉन कैरेटिन ख़त्म हो जाता है जब बहुत ज़्यादा हम उसको कर्ल्स कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आयनिंग कर रहे होते हैं, तो बाल जो है उसको फिर सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है आपको फिर उसको ट्रिमिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन इस तरह का आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हेयर कट, जिसमें मैंने मतलब पूरी कोशिश की है कि लेंथ भी मेंटेन रहे और स्टाइल भी रहे। तो लेंथ जो है मैंने बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं की थी, ऑलमोस्ट जो है लेंथ 1 इंच जो है वो कम की थी, लेकिन ओवरऑल पूरी लेयर की थी। जैसे फ्रंट से आपने देखा था कि लॉन्ग हेयर्स थे, लेकिन अगर ओवरऑल पूरी आप इसकी लेंथ देखें तो लॉन्ग है, लेकिन इसके साथ साथ जो है अब मार्जिन ये है कि इसको बहुत तरीके से स्टाइलिंग आप इसको कर सकते हैं। जैसे मेरी अपनी सिग्नेचर स्टाइलिंग है, उसमें बहुत जैसे उसमें मार्जिन होता है, उसमें कर्ल्स करने का, उसमें ब्लो ड्राई करने का, तो सेम ये वही चीज़ ही है। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मज़ीद डैमेज नहीं है, और सेम यही चीज़ रबीका आपके लिए भी है। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मैंने स्प्रे किया था, तो जिसकी वजह से कोई भी आप ड्राई करो, आयरन करना है, आपने कुछ भी करना है, तो आप पहले वेट हेयर्स पे लगा सकते हैं, उसके बाद ड्राई करने के बाद और उसको हल्का सा स्प्रे करना है, और फाइनल एक लुक के लिए, एक फिनेस लुक के लिए इसको लास्ट में मज़ीद ग्लॉस और शाइन देने के लिए मैं इसको दोबारा स्प्रे कर रहा हूँ। रबीका तुमने भी सेम ऐसे ही रखना है, जिस तरह से मैंने डिस्टेंस करके ना, देखो पूरा ये ग्लॉस ऐड हो जाएगा इसमें, और ये आप देख सकते हैं कि ज़रा से स्प्रे करने के बाद ही कितना अच्छा एक शाइन आ चुका है। जो लोग बालों में ऑयलिंग नहीं करते और बाल ऑब्वियसली डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं एजेस को मज़ीद स्मूथ करने के लिए। प्रॉपर एक ये शाइन ग्लॉस ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा इसमें कोई केमिकल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हर्ब्स हैं, तो जितना भी आप चाहें इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बाल जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, मज़ीद ये अच्छे ही होंगे इससे बाल। बहुत अच्छा लग गया आपने। अभी देखो पूरा, जैसे कि मोस्टली बहुत कलर्स वाले जो बाल होते हैं तो उनमें एक जो है ड्राइनेस वैसे भी फील हो रही होती है, तो ये हेयर स्प्रे जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं कि डैमेज हेयर्स के अलावा बालों को मज़ीद ग्लॉस करने के लिए, शाइन करने के लिए, अगर आपने बीच वेव्स करने हैं, कर्ल्स करना, लेकिन ऑब्वियसली ड्राई बाल, फ्रिजी बाल बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा शाइन आ जाता है। जिसके मोस्टली मेरी अपनी स्टाइलिंग में, मेकअप में, जितने भी मेरे शूट्स होते हैं, तो ऐसे ही उसमें एक बहुत अच्छी स्लीक शाइन आ रही होती है बालों में। फाइनली दिस इज़ द एंड रिजल्ट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, जिस तरह से मेरी कोशिश थी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले हेयर कट के हवाले से, और स्पेशली स्ट्रीटमेंट हेयर स्प्रे के हवाले से कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, और उसके अलावा मैं ऐसी और भी मज़ीद जो है मैक्सिमम वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल सके, क्योंकि ओबियसली ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, लेकिन किस तरह के और मज़ीद डैमेज हेयर्स हैं, किस तरह से इसका बेसिकली रिज़ल्ट है, वो तमाम चीज़ें आप लोग देख सकेंगे। रबीका सेटिस्फाइड हैं आप? यस, बहुत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लुक, आई एम टोटली इन लव विद इट। यू आर मोस्ट वेलकम, और इसको बस इन्जॉय करो, और जैसे कि मैंने कहा है, जो प्रोडक्शन बताई है सिर्फ और सिर्फ वो करनी है, और जितना भी अपने टिकटॉक वीडियोस बनानी है, आयरन करना है, ब्लो ड्राई करना है, अब सब चीज़ की इजाज़त है। यस, गुड लक।